हेलो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमारे गांव की एक सच्ची कहानी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल संध्यार प्रोडक्शन में पहले भी एक कहानी हमने डाली थी जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद की। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मेरे गांव की एक सच्ची कहानी है। बात कुछ दिन पहले की है कि हमारे गाँव में कुछ रात के समय में एक काले कपड़े पहनकर कोई साया दिखाई देता था। गांव के लोगों को लगा कि शायद ये कोई औरत या कोई पागल औरत है, लेकिन दिन प्रतिदिन ये साया कुछ लोगों को दिखाई देने लगा। गांव में भय का माहौल हो गया था। फिर रात के समय में ये साया क्यों दिखाई देता है? गांव के कुछ लड़कों ने सोचा कि शायद कोई औरत कोई जादू टोना सीख रही होगी जो कि रात के समय में ही बाहर आती है, जो काले वस्त्र पहन के बाहर आती है। फिर कुछ लड़कों ने रात के समय निगरानी की और फिर देखा। फिर जैसे ही पहली रात आई, उस दिन मंगलवार था, फिर हमने सोचा कि क्यों ना आज मंगलवार है, और हमने बुजुर्गों से सुना था कि मंगलवार के दिन ही जो साया होता है, जैसे कि हमारी भूत प्रीत जैसी साधना जो औरतें जिनको डायन कहते हैं वो करती है, वैसे वैसे हमने रात के समय में अपने घरों के स्लैब के ऊपर बैठ के कि आज देखेंगे वो कौन सी औरत है जो कि रात के समय में ही काले वस्त्र पहन कर ही बाहर निकलती है। और वैसे वैसे हमने एक तांत्रिक के पास भी गए थे और हमने वहाँ से सतना जलाया, और उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि अगर रात के समय आपको कोई ऐसी औरत दिखाई देती है जो कि काले वस्त्र पहन के बाहर आए, तो उसके ऊपर ये सतना जा फेंक दें और वो तुरंत ही अपने असली रूप में दिखाई देने लग जाएगी। हमने उस पहली रात हमने जैसे ही देखा कि उस रात हम काफ़ी मेरे दोस्त 1 से 2 बजे तक जागते रहे, लेकिन पहली रात हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और ऐसे ऐसे दिन बीतते चले गए और अगली रात को हम दोबारा वीरवार के दिन सभी अपने अपने स्लैब पे गांव में लाइटें बंद कर दी और अपने स्लैब पर चुपके से देखने लगे कि कहीं कोई औरत कोई साया ऐसा तो नहीं है जो दिखाई दे दूर से। और जो बाबा जी ने हमारे पास सतनाजा दिया था वो हमने अपने पास रखा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ कि जैसे कि हमारी रूह कांप उठी। एक काली बिल्ली जो कि एकदम से झपट गई हमारे ऊपर और अचानक से गायब हो गई, और हम बिल्कुल डर गए थे। और फिर हम तांत्रिक बाबा जी के पास गए और उन्होंने हमें बताया कि बेटा, ये वही औरत थी जो रात के समय में रूप बदल के यहाँ पर आई हुई थी। उस दिन के बाद कभी भी वो साया हमें दिखाई नहीं दिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक सच्ची घटना है जो हमारे साथ बीत चुकी है, हमारे गांव के कुछ औरतों बच्चों के साथ बीत चुकी है। ये कोई मजाक वाली वीडियो नहीं, ना कृपया करके इसको मजाक में ले। धन्यवाद।